हेलो दोस्तों, मुंजुंग व्लॉग, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज का वीडियो ये इसके बारे में है, तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे टाइटल पढ़ के। तो ये जो ये पोकलैन है ना, तो ये ना मतलब ना डूब गया इस पूल में, इसको पूल ही बोलते हैं विलेज पूल में। तो इसमें ना ये डूब गया पोकलैन, फिर ना जो इस पोकलैन को तो कैसे भी करके ना निकालना तो पड़ेगा ना, तो इसलिए दो जेसीपी मंगाई गई और यहाँ पर दो जेसीपी इसको खींच खींच के ना बाहर निकाल रहे हैं। आप लोग देख लो, यहाँ पर जो दो जेसीपी इस पोकलैन को खींच रहे, ये देख लीजिए आप, जो पीछे से ना यहाँ पर जो होंडा लिखा होना ना है ना, तो वो है पोकलैन। और यहाँ पर बहुत सारे लोग इनको गाइड कर रहे हैं और कुछ लोग ना देख भी रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हो गए थे। तो हमारे जो मामा है ना, वो ट्रैक्टर चलाते हैं, फिर ये जिसे भी पोकलैन इनका सब वो का काम करते हैं, तो वो भी गए थे यहाँ पर। तो यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा वीडियो भी ले लिया हमारे लिए। तो अभी ना हमारा ना स्कूल चल रहा है, तो मेरे पास कुछ वीडियो नहीं था, तो मैंने ये वाला वीडियो ले लिया। तो दोस्तों, अगर आप में से कोई लोग मेरे चैनल में नए हो, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। तो आप लोग ये वीडियो देख लो। ये सभी लोग ना थोड़ा थोड़ा सा ना यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं, और सभी एकदम सभी मतलब ना वीडियो बना रहे हैं। आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर बस चारों तरफ लाइट और लाइट ही है। तो यहाँ पर सभी जो वीडियो कर रहे हैं अपना फ्लैश लाइट ऑन करके, तो इसलिए लाइट भी हो गया तो और उनका वीडियो भी हो गया। तो यहाँ पर मेरे मामा भी ऐसे ही वीडियो कर रहे थे। तो ये जेसीपी, दो जेसीपी थे, तो एक रुक गया, एक चल, एक रुकता है और दूसरा पोकलैन को खींचता है, एक रुकता है दूसरा खींचता है, ऐसे कर 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 ना इसको ना बाहर निकाल लिया गया है। आधा तक तो ये बाहर निकल ही गया है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो यहाँ पर ना मिट्टी है, तो ज़रूरी है तो बाहर निकल ही चुका है। तो वैसे ये वीडियो लास्ट तक आप लोग देखिएगा। Thank you.